हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको प्रॉमिस किया है, राइट, कि विद इन 5 मिनट हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज जेनकिन, जेनकिन का वर्क फ्लो क्या होता है, जेनकिन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हम विद इन 5 मिनट में आपको क्लियर करने वाले हैं विद डायग्राम, विद प्रैक्टिकल लैब, राइट। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखो। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल के लिए क्या कर रखा है, मैंने AWS पे अपना एक अकाउंट बना रखा और उस पर 2 सर्वर काट रखे हैं, एक जेनकिन का सर्वर और एक अपना एंजिनक्स का सर्वर, राइट। अब जेनकिन के सर्वर पे क्या कर रखा है, मैंने जेनकिन का इंस्टॉलेशन कर रखा है, राइट। अब जेनकिन का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, सेटअप कैसे होता है, वो अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ पूरी जेनकिन की। तो ये जस्ट एक इंट्रो कि जेनकिन क्या होता है, क्या उसका फंक्शनिंग होती है, एंड टू एंड प्रोसेस उसका देखने वाले, राइट। तो पूरी प्लेलिस्ट आएगी, तो इंस्टॉलेशन और बाकी जो भी अपने टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड में कि क्या क्या हम कवर करने वाले, राइट। बट एज ऑफ नाउ क्या क्या है ये, एज ऑफ नाउ आप एज्यूम करके चलो कि अपना जेनकिन का सर्वर जहाँ पे जेनकिन का इंस्टॉलेशन है। जब जेनकिन का इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इस टाइप से आपका उसका GUI दिखेगा। ये मैं स्पेशली पूरा डिटेल में करा रहा हूँ फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो मान लो लेट सपोज आप स्टार्ट से जेनकिन को स्टार्ट कर रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो जब जेनकिन को इंस्टॉलेशन हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, तो वो इस टाइप से दिखेगा, right? तो मैंने टेस्टिंग पर्पज से एक फ्रीलांसर ऐप की एक जॉब बना रखी है। अब वो जॉब कैसे बनती हैं, इसमें पाइपलाइन कैसे बनती हैं, वो भी हम अपकमिंग वीडियो में देखने वाले हैं। तो एज ऑफ नाउ जेनकिन का GUI है जो आपको इंस्टॉलेशन के बाद मिलेगा, राइट। अब उसके बाद मैंने आपको बताया ऑलरेडी, एक मेरे पास एंजिनक्स सर्वर है जहाँ पे मैंने अपनी एक वेबसाइट होस्ट कर रखी है। अगर आप देखोगे तो एक फ्रीलांसर नाम से एक वेबसाइट होस्ट कर रखी है, राइट। तो ये मेरे इस वाले एंजिनक्स सर्वर के ऊपर डिप्लॉयड है, राइट। और इसका कोड जो मैंने लिख रखा है वो मेरा एक गिटहब की रेपोजिटरी है, ये मेरी गिटहब की रेपोजिटरी, राइट। इसमें मैंने अपना कोड राइट कर रखा है। सो जब भी आप कभी भी अपने कोड में चेंज करोगे, राइट, लेट सपोज आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है, आपको कोई टैब ऐड करनी है, आपको कोई भी कोड में मतलब कोई माइनर मेजर चेंज करना है, राइट, तो जेनकिन उसको क्या करेगा, तो जेनकिन उसको रियल टाइम में डिप्लॉय करेगा और वो चेंजेस आपके विद इन यू कैन से जो भी आपका डिप्लॉयमेंट का टाइम लगेगा उस टाइम में वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो एज ऑफ नाउ मैंने आपको क्या बताया, एज ऑफ नाउ मैंने बताया एक लैब बना रखी है, एक जेनकिन सर्वर, एक एंजिनक्स सर्वर, राइट। जेनकिन का GUI ऐसा दिखेगा आपको, और अपनी वेबसाइट जो मैंने होस्ट कर रखा है एंजिनक्स पे वो ये है, और ये मेरा एक यू कैन से अगेन मैं आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, अपना जो कोड राइट कर रखा है HTML में राइट करके मैंने वो उसको यहाँ पे अपलोड कर रखा है, राइट। तो अब जेनकिन का काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ जेनकिन होता क्या है, जेनकिन का काम क्या है। एक्चुअली जेनकिन का काम ये है कि जेनकिन जो भी आप कोड यहाँ पे राइट कर रहे हो, राइट, उसको उठाएगा, मतलब कि इस रेपो को जेनकिन क्लोन करेगा अपने ऊपर, राइट, इस जॉब के थ्रू। और उसमें जो भी आपके टेस्ट केसेस हैं, आपकी कंपाइल स्टेजेस हैं, जैसे अभी मैंने इसमें स्टेज बना रखे, जैसे पहले क्या करेगा, गिटहब से क्लोन करेगा, राइट, फिर उसको बिल्ड करेगा, राइट, फिर उसको डिप्लॉय करेगा एंजिनक्स पे, फिर सुनार के ऊपर आपके कोड की टेस्टिंग करेगा, और फिर एट द एंड वो आपको ईमेल भेज देगा कि आपकी जो जॉब है, जो आपका डिप्लॉय हुआ कोड सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं है। तो मतलब जेनकिन ने क्या किया, कोड आपका गिटहब से उठाया, उसको बिल्ड किया, उसको टेस्ट किया, उसको डिप्लॉय किया सर्वर पे, और फिर आपको ईमेल सेंड कर दिया, राइट। तो एंड टू एंड टास्क है आपका, उसने पूरा का पूरा ऑटोमेट कर दिया बिल्ड प्रोसेस जो है आपका, राइट। तो ये काम होता है आपका जेनकिंस का एंड टू एंड, यू कैन से कि आपका जो डिप्लॉय करना होता है, जो चेंजेस को जो आपने कोड में आपके बिट बकेट में या फिर गिटहब रेपो में राइट किए हैं उनको डिप्लॉय करना रियल टाइम पे, राइट। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट लेट्स सी, एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप इसमें देखोगे, लेट्स सपोज मैं एक डेवलपर हूँ, राइट, मैं अपना कोड राइट करूंगा, राइट, उसको क्या करूंगा, उसको पुश करूंगा गिटहब में, राइट। गिटहब में पुश होने के बाद क्या करेगा, जेनकिन उसको क्लोन करेगा, जो मैं आपको स्टेज में दिखा भी रहा था ना, गिटहब पे पुश किया तो जेनकिन उसको क्लोन करेगा। क्लोन का मतलब वो उसके ऊपर उसको क्लोन करेगा रेपोजिटरी को, कि मतलब कॉपी करेगा अपने ऊपर, राइट, उस रेपो से इस कोड को उठा के अपने ऊपर जेनकिन लेके आएगा इस वाले कोड। तो क्या हुआ, डेवलपर ने कोड पुश किया गिटहब में, गिटहब से जेनकिन लेके आया, जेनकिन इसको बिल्ड किया, टेस्ट किया, जो भी उसके प्रोसेस होते हैं, जो भी आपने स्टेजेस डिफाइन की हुई है, राइट, तो वो सारे के सारे जेनकिन ने प्रोसेस की, वो कैसे करता है, कैसे स्टेजेस बनती हैं, कि वो पाइपलाइन बनती है, फ्री स्टाइल जॉब बनती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ क्या करेगा, डेवलपर पुश करेगा गिटहब में, गिटहब से जेनकिन उठा के लेके आए, और वो उसको आपका जो भी एंड सर्वर है, वो एंजिनक्स हो सकता है, माइट भी अपाचे हो सकता है, आप कोई भी बैकएंड सर्वर हो सकता है, राइट, लाइक टॉमकैट, जेबोस, व्हाटएवर, तो उसके ऊपर वो डिप्लॉय करेगा। उसके बाद जब डिप्लॉय हो जाएगा, ईमेल जाएगा डेवलपर के पास, और जो भी टेस्टिंग टीम होगी, डेवलपर टीम होगी, वो उसको टेस्ट करेगी। तो ये देखो मैं आपको एक प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, ये प्रैक्टिकल, राइट। तो लेट्स सी, मान लो मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ अपने कोड में, ठीक है। तो अभी के लिए आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो क्या है, आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांसर वर्क, राइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी दे देता हूँ, अगर किसी भाई को, राइट, अगर मान लो कोई हेल्प चाहिए मेरे एंड से फ्रीलांसर प्रोजेक्ट में, तो ही और सी कैन रीच आउट टू मी एट दिस ईमेल ID linux2star@gmail.com। तो हम मिलजुल के उसको ट्राई करेंगे कि आपके इशू रिजोल्व। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको दिखाने वाला था, देखो अभी क्या दिखा रहा है, आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांसर वर्क। अगर मान लो लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट में लाइव चेंजेस कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट आई
कि अभी मेरे पास ज़्यादा काम हो गया और मैं अपना अब काम नहीं कर पाऊंगा, तो मान लो लेट सपोज मैं अपनी वेबसाइट पे अपडेट करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर फ्रीलांसर वर्क, राइट। तो अब क्या किया मैंने, अपने कोड में चेंज किया, राइट। वो माइनर चेंज भी हो सकते हैं, मेजर चेंज भी हो सकते हैं। अब जेनकिन पे गया, जेनकिन ने क्या किया, बस बिल्ड जो भी स्टेजेस, जो भी टेस्ट आपने डिफाइन कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपकी बिल्ड को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। इसने बिल्ड को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखो, इसने क्लोन किया पहले, उस आगे के स्टेज में ये बिल्ड कर रहा है, और जो भी स्टेजेज होंगे उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा। और यहाँ पे आप जाके आउटपुट भी देख सकते हो इसकी, वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि वो पूरा प्रॉपर वर्बोस लोग दिखाता है कि वो क्या कर रहा है, राइट, बैकएंड में। ओके, तो अब इसने क्या किया, क्लोन किया, बिल्ड किया, डिप्लॉय किया, और कोड को पूरा टेस्ट करने के बाद इसको डिप्लॉय कर दिया। और आप अगर यहाँ पे आप आके देखोगे, राइट, तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करो या रिफ्रेश करो, राइट, अगर रिफ्रेश करोगे, पहले क्या था, आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांसर वेबसाइट। अब रियल टाइम में विद इन एक सिंगल क्लिक, मैंने वेबसाइट पे नहीं गया, मैं सर्वर पे नहीं गया, राइट, मैंने कुछ नहीं किया, बस जस्ट मैंने अपना कोड पुश किया सीधा का सीधा अपनी लैब, अपनी रेपोजिटरी में, जेनकिन ने उसको उठाया, बिल्ड किया, सारी स्टेज को प्रोसेस किया और अपनी वेबसाइट पे उसको अपने कोडिंग डिप्लॉय कर दिया, राइट। और डिप्लॉय करने के बाद उसने क्या किया, एक ईमेल यहाँ पे आ जाना चाहिए कि भाई डिप्लॉय हुआ है कि नहीं हुआ, लेट रिफ्रेश में। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे देखोगे ना, बिल्ड नंबर 33, तो बिल्ड नंबर 33 सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये बिल नंबर 33 थी, राइट। तो इस टाइप से आपका पूरा एंड टू एंड फ्लो है। मान लो आपको कोई और चेंज करना है, राइट, लेट मी शो यू वन मोर चेंजेस। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी वेबसाइट में कुछ और मैसेज अपडेट करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आई एम प्रोवाइडिंग इन जेनकिंस पीडीएफ एज वेल, और मैं इसको कमिट कर देता हूँ। अब मैंने अपना कोड अपडेट कर दिया, अभी रियल टाइम में क्या दिखा रहा है मुझे, आई एम नॉट अवेलेबल, राइट। अगर मैं इसको एक बार जाके दोबारा से बिल्ड करूँगा, तो विद इन जो भी आपके स्टेज में टाइम लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, जितना भी टाइम आपका कोड कंपाइल होने में लगेगा, उसके बाद आप जाके रिफ्रेश करोगे, तो उसके बाद वो चेंजेज आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। अब मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, राइट। अगर यहाँ पर रिफ्रेश देखो, करने के बाद क्या आ गया, आई एम प्रोवाइडिंग जेनकिन पीडीएफ एज वेल। तो ये मैंने क्यों राइट किया, तो मैं साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, अपना पूरा जेनकिन का कंटेंट है ना जो, राइट, उसके लिए एक बुक भी राइट कर रहा हूँ। और जिसको भी आपको बुक चाहिए, राइट, तो मिनिमल चार्जेज हैं इसके कोई, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें पूरा एडवांस लेवल मिलेगा आपको। अगर आप देखोगे तो DLS प्लगइन से लेकर EKS ECS तक का जेनकिन का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको करवाने वाला हूँ इन सब वीडियोज़ में या फिर इस बुक में, राइट। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पे आप रीच आउट कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखी है, linux2star@gmail.com, राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जेनकिन क्या करता है, विद इन यू कैन से लिमिटेड टाइम, जो आपकी स्टेज को कंपाइल होने में टाइम रहता है, राइट, एंड टू एंड ऑटोमेट करके देता है आपके कोड की डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट्स को, या फिर आपकी कोड की डिप्लॉयमेंट को। डेवलपर को सिर्फ यहाँ पे जाके अपना कोड पुश करना है, और अगेन अगर यहाँ पे आओगे तो आपको क्या करना, डेवलपर कोड राइट करेगा, बिटबकेट में पुश करेगा, बिटबकेट से जेनकिन लेके आएगा, डिप्लॉय करेगा, और फिर उसको टेस्टिंग के लिए आपके टेस्टर को या डेवलपर को दे देगा, और इस टाइप से आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर इसका एक और स्टेज थे, जो मैंने अगेन यहाँ पे एक और ईमेल आ जाना चाहिए, 33 के लिए था, 34 के लिए आ गया हुआ, राइट, तो ये सक्सेस डिप्लॉय हो, तो इस टाइप से आपको नोटिफाई भी कर देगा, राइट। तो आई होप आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आइडिया हो गया होगा कि जेनकिन क्या होता है, राइट, जेनकिन का काम क्या होता है, जेनकिन का एंड टू एंड वर्क फ्लो क्या होता है, अब ये स्टेजेस कैसे डिफाइन होंगी, अब ये जेनकिन का सेटअप कैसे होगा, ये हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब एज ऑफ नाउ आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी जेनकिन एग्जैक्टली होता है क्या, राइट। जेनकिन एक बिल्ड टूल है, आप कह सकते हो कि जेनकिन एक CI/CD टूल है, राइट। अब ये CI/CD क्या होता है, बिल्ड क्या होता है, ये हम अपकमिंग वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।